सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड सो रहा था एंड सो रहा था और सोते सोते अब इस व्लॉग को स्टार्ट करूँ। एंड अभी टाइम हो रहा है कुछ 4:30 बज चुके हैं, तो लगभग 3 बजे सो गया था। अभी थोड़ी सी नींद खुली मेरी, ठीक है अभी व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके अलावा अभी पंखा चल रहा है तो थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी आप सभी को। एंड लोग पे बने रहना, जो वो लोग देखते हैं थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी उठते हैं एंड मुँह हाथ धोते हैं, लोग कंटिन्यू करते हैं। सो है गाइस, फिलहाल मैं अभी ऊपर छत पे आ चुका हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:45। थोड़ा लेट हो गया मेरे को पता है, बट अभी भी भाई फर्श बहुत गर्म हो रखा है। वैसे अब गर्मी इतनी तेज़ है, अपन क्या ही कर सकते हैं कि लेट आते हैं तो ही इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी होती है। तो अभी अपन इस साइड चलते हैं एंड बैठते हैं। एंड आप सभी को एक चीज़ दिखानी है मेरे को, जो कि है मेरा न्यू व्लॉगिंग सेटअप, ठीक है ना। सो वो दिखाऊंगा मैं आप सभी को। सो व्लॉग पे बने रहना एंड एक सेकेंड के अंदर आप सभी को दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो कहाँ है मेरा व्लॉगिंग सेटअप? सो मेरा व्लॉगिंग सेटअप ये रहा। सो देखो, सबसे पहले मैंने अपना जो मोनो वाला माइक है, इसका मैंने पॉप फिल्टर है जो कि हटा दिया एंड इसको मैंने यहाँ लगा दिया। और ये वायर जो इसका, इसको मैंने यहाँ अंटा वगैरह डाल के इसको यहाँ बांध दिया है। मतलब ऐसे ही बांधा हुआ है, मतलब कैसी चिपा वगैरह नहीं मैंने इसको। एंड ये इसका 3.5 mm जैक, जो कि मैं सीधा फ़ोन के अंदर डाल देता हूँ और यहाँ से ये बढ़िया से आवाज़ रिकॉर्ड करता है। तो मैंने इसको देखो यहाँ पे ऐसे लगाया कुछ, कि अपनी जो टेप नहीं होती वायरिंग वाली ब्लैक कलर की, तो वो टेप मैंने यहाँ लगा दी है एंड ये यहाँ बढ़िया से चिपक गया। इसका कोई बढ़िया वो जो जुगाड़ करेंगे उसके बाद ये थोड़ा सही से लग जाएगा। लेकिन भाई ऑडियो क्वालिटी जो है वो भाई साहब बहुत सुधर गई है। सो अभी मैं माइक के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैंने आप सभी को दिखाया मेरा ऑल न्यू ब्लॉगिंग सेटअप, जो कि सब कुछ मेरे पास था ही, तो मेरे को कुछ पैसे वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर देखो ऐसा होता है कि कोई चीज़ मतलब पैसे वगैरह लगा के फिर मैं सेटअप बनाता तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है इंटरेस्टिंग वगैरह, ये बताता। अब देखो मेरे पास माइक अवेलेबल था, मतलब माइक मेरे पास पहले से था अवेलेबल एंड ट्राईपोर्ड भी था। फ़ोन तो अपने पास व्लॉगिंग कर रहे हैं तो फ़ोन होना या फिर कैमरा होना ज़रूरी है, ना फिर किस चीज़ से रिकॉर्ड करते हैं, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। सो मैंने क्या, जो अपने बोया भाई MM1 माइक्रोफोन जो आता है, शॉटगन माइक्रोफोन, तो वो कुछ है अपने आई थिंक 1500-2000 के बीच के अंदर। उसका प्राइस हमेशा कुछ 1500-2000 के बीच में ही रहता है, कभी 1700, कभी 1800, कभी 1900, कभी 1500 से कम नहीं जाता। तो मैंने सोचा उसको भी अपन लगाएंगे यहीं, ये लेवलियर माइक है जो कूलर माइक है, इसको अगर अपन यहाँ लगा लेते हैं, वो कॉलर अपने कॉलर माइक फिर मैं यहाँ लगाता हूँ तो थोड़ा वो अजीब सा लगता है व्लॉगिंग के अंदर। तो मैंने सोचा उसी शॉटगन माइक की तरह इसको भी यहीं कुछ जुगाड़ से लगा लेते हैं एंड थोड़ा थोड़ा वैसे ही फील आ जाएगा एंड अपनी थोड़ी ऑडियो क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। सो मैंने कुछ उस टाइप का करने का ट्राई किया। अगर मैं वो माइक लेने जाता तो मेरे को लगभग 1700-1800 पे करने पड़ते जब जाके बढ़िया सेटअप होता। एंड अभी मेरा एकदम पॉकेट में फ्री के अंदर ये सेटअप हो गया, लेकिन पैसे तो इन चीज़ों के भी लगे हैं, लेकिन अभी मैंने सेटअप इनका अभी बनाया। वरना पहले मैंने सोचा था कि अपने वो माइक लगा के फिर रिकॉर्ड करेंगे, बट वो कॉलर माइक यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने ये सेटअप तैयार किया। सो ये सेटअप लग भी मस्त रहा है, आवाज़ भी बढ़िया रिकॉर्ड हो रही है एंड है भी ठीक। सो कितनी दूरी पे कितना ये माइक काम करता है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। अभी लगभग ये मेरा एक हाथ इस इतनी दूरी पर मैंने अपने ये ट्राइपॉड को कपर के रखा है एंड अपन किसी से बात करते हैं ना, बस उतनी आवाज़ में बोल रहा हूँ, ज़्यादा धीरे भी नहीं बोल रहा ना ज़्यादा तेज बोल रहा। अपन किसी से दोस्त वगैरह से ये बात करते हैं तो उस आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, तो आप सभी देख लो कितना मतलब अच्छी क्वालिटी आ रही। एंड अभी मैं इस ऑडियो क्वालिटी के कुछ भी एडिट वगैरह नहीं करूँगा एंड आप सभी लोग देख लो
कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। तो वैसा मज़ा आ गया, लेकिन एक चीज़ है कि अब देखो मैं इसको, इसे मैंने घुमाया कैमरा, तो इसका माइक जो है वो आगे साइड चला गया। मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसको हटा के। सो देखो अब मैं ऐसे करूँगा ना, तो मेरा ट्राईपोड का भी कुछ अपना फेस है वो एकदम ऐसे आगे साइड हो जाएगा, तो इसका माइक उधर चला जाएगा। तो उस वक्त थोड़ा मतलब मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि चालू क्लिप के अंदर मतलब एक ही फ्रेम के अंदर मैं पिछला नहीं दिखा सकता आप सभी को, मेरे को वीडियो रोक कर फिर ही दिखाना पड़ेगा आप सभी को। एंड देखो इसके अंदर मोबाइल लग जाता है तो लुक भी मस्त आ जाती है। अगर इसका बड़ा वो पॉप फिल्टर लगता है वो हो जाए ना, तो पूरा वही लगेगा बोया बाय MM1 वाला माइक जो ऊपर लगता है ना, जो ज़्यादातर व्लॉगर्स के पास होता है, लेकिन मेरे पास नहीं है सेड लाइफ। तो एक बार इसी से ही काम चलाते हैं बढ़िया से, एक बार दुआ लगा दे इसको, कुछ परमानेंट करेंगे इसको, अभी तो मैंने इसे टेम्परेली किया है। तो अभी वापस मैं माइक कनेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ऑडियो क्वालिटी के अंदर कितना डिफरेंस आया है। एंड अभी बहुत पास के अंदर ही है मेरा फ़ोन, ज़्यादा दूर में नहीं है, मतलब बहुत पास में है, तो अभी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी आ रही होगी। क्योंकि जितना देखो अभी ये शॉटगन माइक के अंदर भी यही होता है कि अपन उसको जितना ज़्यादा दूर रखेंगे उसकी ऑडियो क्वालिटी मतलब जो अपनी आवाज़ है उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसको भी अपन ने कुछ उस टाइप से सेटअप किया तो इसका भी वही हो गया है, बट उसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन वगैरह आता है, इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन, वैसे इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन है, बट शॉटगन माइक सिर्फ और सिर्फ मतलब जो स्ट्रेट ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जैसे कि वो मतलब मैंने इसको ऐसे कपड़ा हुआ है ना, तो वो सिर्फ जो सामने से आवाज़ आ रही है एकदम स्ट्रेट आवाज़ आ रही है अभी, तो सिर्फ वो वही रिकॉर्ड करेगा। आसपास में मान लो साइड से कोई भी बोल रहा है तो उसकी बहुत बहुत मिनिमम आवाज़ आएगी, उसकी एकदम नॉइस कैंसिल हो जाएगी। साइड में जो भी लेफ्ट राइट से बोल रहा है या कोई पीछे से बोल रहा है तो उसकी एकदम नॉइस कैंसिल हो जाएगी, जो सिर्फ सामने से बोल रहा है बस उसकी आवाज़ आएगी। तो कुछ ऐसा सा उसके अंदर होता है जो अपने इसका बोया हुआ MM1 माइक्रोफोन आता है उसके अंदर, बट इसके अंदर वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन ज़रूर हो जाएगी, बट जैसे कि लेफ्ट या राइट के अंदर या पीछे में कोई पीछे जो होगा उसकी आवाज़ थोड़ी कम आएगी, लेफ्ट राइट के अंदर जो भी होगा मेरे पास अगर वो कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज़ आएगी, मतलब कम होगी थोड़ी, रिड्यूस तो होगी बट आएगी ज़रूर, एकदम भी नॉइस कैंसिलेशन नहीं होगी जैसे उस माइक के अंदर होगी। उसका प्राइस का भी कितना 3 गुना ज़्यादा उसका प्राइस है, इसका प्राइस एवरी करता रहता है, हमेशा कम ज़्यादा होता ही रहता है, जो माउनो का है U400। लेकिन ये जब मैंने मंगाया था उस वक्त ये था, मैंने इसको मंगाया था 500 के अंदर और उस वक्त इसकी रेट कुछ 800 के आसपास थी, तो वो कुछ 1500-2000 के बीच ही अंदर आता है, तो 3 गुना ज़्यादा मान के चलते हैं इसके 3 गुना ज़्यादा रेट का वो माइक है, तो ऑडियो क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। बट ये एक बार बढ़िया से अपने सस्ता जुगाड़ लगा लिया है एंड ऑडियो क्वालिटी बढ़िया रिकॉर्ड हो रही है। एंड अभी सनसेट होने वाला है ये, लेकिन कैमरा लेग नहीं मिटा अभी तक फोन का। ये देखो सनसेट होने वाला है, तो अभी देखो इसकी दिक्कत इस माइक के अंदर भी नहीं, अगर मैं बोया बाय MM1 भी कभी परचेस करता हूँ तो उसके अंदर रहेगी। अब जैसे कि अभी आप जो फ्रेम देख रहे हो ये रियर कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, तो माइक जो है वो मेरे फेस के सामने है, ये देखो मैं ये देख लो, ये मेरे फेस के सामने माइक। तो अभी देखो मैं इसको एक सेकेंड, इसका थोड़ा वायर आ गया ये, तो देखो अब मैंने इसको वापस लगा दिया है, तो वायर तो मेरे जो वायर तो हट गया है, वायर का क्या बोल रहा हूँ, माइक तो मेरे फेस के सामने ही रहा और फ्रेम भी वैसे ही था। अभी मेरे को रियर कैमरे से सीधे मेरे ऊपर आना है कि मेरा फेस दिखाना है, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा तो माइक जो है वो उस साइड चला जाएगा। मैं आप सभी को उतार के दिखाता हूँ ट्राइपॉड से फ़ोन को, एक सेकेंड। सो देख लो वो ये रहा माइक, तो बस ये सॉरी गलती से वीडियो बंद हो गई थी, तो ये प्रॉब्लम तो शॉटगन माइक के अंदर रहेगी,
एंड अगर इस टाइप से अपन कोई माइक सेटअप करते हैं तो उसके अंदर भी रहेगी। तो अभी देखो आवाज़ आप सभी को सही आ रही होगी, तेज़ आ रही होगी थोड़ी, एंड अभी आवाज़ स्लो हो गई होगी। तो बस गाइस यही चीज़ है जो कि शॉटगन माइक के अंदर एंड इस माइक के अंदर फ़र्क होता है। बट अभी देखो मैं अभी बोल रहा हूँ ना तो आप सभी को आवाज़ आ रही होगी बढ़िया से, आप सभी को सब समझ में आ रहा होगा एंड, लेकिन अगर वो शॉटगन माइक होता तो आप सभी को समझ में नहीं आता। तो ये चर्चा माइक के ऊपर बहुत हुई, इस व्लॉग का टाइटल भी ये होने वाला है, माई ओल्ड न्यू व्लॉगिंग सेटअप। एंड उसके सिवा तो अभी क्या ही बोल सकते, बाहर का तो कुछ ऐसा सीन हो रखा है एंड अभी देखते हैं, चलते हैं कई बार और बाहर जाएंगे तो आप सभी को देख के ही चलेंगे ना। एंड इस साइड का कुछ ऐसा सा सीन हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल अपन चलते हैं नीचे, ये टी शर्ट ले लेते हैं क्योंकि मैंने ऊपर टी शर्ट चेंज किया था तो मैंने इसको यहीं रख दिया। तो अभी चलते हैं नीचे। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड फिलहाल मैं इस लोग को एंड करता हूँ। ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड किया नहीं है, ज़्यादा अगर चर्चा अपने माइक के ऊपर ही थी। सो मैं होप करता हूँ जैसा भी था आप सभी को पसंद आया होगा व्लॉग, एंड फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ एंड होप करता हूँ कि आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया इस व्लॉग को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो एक बात बतानी आप सभी को, भूल ही गया कि अपने आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, कल रात को 12 बजे से इंटरनेट नहीं चल रहा है, कल 28 तारीख थी तो कल रात को 12 बजे से नेट नहीं चल रहा है एंड आज सुबह के कुछ 1:30 बज चुके हैं अभी तक भी नेट नहीं चल रहा है। सो आज पता नहीं वीडियो आएगी नहीं आएगी, कब नेट स्टार्ट होगा, ना मेरे आसपास में कोई वाईफाई है ना कोई और अदर ब्रांड का जैसे VI का वो, उसके अलावा जैसे कि Jio Airtel किसी का भी नेट नहीं चल रहा, ना मैं किसी करके अपलोड कर देता ना मेरे घर के आसपास में किसी के पास में वाईफाई है, ना मैं किसी करके अपलोड कर, पता नहीं आज व्लॉग आएगा भी या नहीं आएगा, चलो देखते हैं फिर वो। सो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ एंड होप करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे भाई साहब गजब पसीना आ रहा है क्योंकि मैं पंखा वगैरह सब बंद कर दिया मैंने। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ।